अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके होस्ट अलीशा नजीब और आप देख रहे हैं सोशल बिज। इस पूरे वीक सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे कहां कहां क्या क्या हुआ ये सब मैं आपको बताऊंगी, और कौन कौन सी फिल्म रिलीजिंग हुई, कौन सी आपको देखनी चाहिए, ये सब आज के शो में देखने को मिलेगा। हॉलीवुड और बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स रिलीज हुई हैं जिसमें हसन भी शामिल हैं। उनका मेन कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो एडम सैंडलर है, और इसके साथ साथ इंटरसेप्टर और हॉलीवुड स्टार गिल भी शामिल है। और बॉलीवुड में शामिल है मैदान फिल्म जिसमें अजय देवगन है, बहुत ही टैलेंटेड। इसी के साथ मिशन मजनू भी शामिल है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत ही हैंडसम, वो इसमें मेन कैरेक्टर है। और आखिर में पृथ्वीराज ये भी रिलीज हुई है जिसमें अक्षय कुमार है, और इस फिल्म का बैंड भी लगा है क्विक और उमान ने। हॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आपने सुनी ही होगी जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बारे में। जी, इसका केस सामने आ चुका है और जॉनी डेप भी केस जीत चुके हैं, जिसके जुर्म में एम्बर हर्ड को 10 मिलियंस का फाइन देना होगा जॉनी डेप को, और इसी के साथ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के जुर्म में भी एम्बर हर्ड को 5 मिलियन देने पड़ेंगे कोर्ट को। और हैरतअंगेज बात यह है कि कोर्ट का फैसला आते ही एक दिन बाद एम्बर हर्ड को सऊदी अरेबिया से प्रपोजल आया है, और उस शख्स ने कहा है कि वो एम्बर हर्ड का सारा फाइन पे करने को रेडी है, बस एम्बर हर्ड हाँ कर दें। मार्वल अपनी एक और प्रोडक्शन लेकर आ रही है फिर से सिनेमा हाउसेज में राज करने के लिए। उनके हीरो और कोई नहीं, थॉर हैं, थॉर लव एंड थंडर, जो कि रिलीज हो रही है 8 जुलाई को सिनेमा हाउसेज में। 25 मई को ट्रेलर रिलीज हुआ था, 2 वीक्स में 37 मिलियन व्यूज भी मिल चुके हैं। अगर ये कितने स्वीट हैं इसका अंदाजा उनके इस पिक्चर से लगाया जा सकता है। उनके कुछ ऐसे फैंस मिले उनको जिनके पास मोबाइल नहीं था, उन्होंने फिर भी अपने मोबाइल से पिक्चर क्लिक की और अपनी स्टोरी पे पोस्ट की, और उसमें लिखा है कि अगर मेरे इन फैंस को ये पिक्चर मिल चुकी है तो मैं बहुत खुश हूँ। और अपने फैंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार भी जाहिर किया। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फिल्म जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, इसका ट्रेलर सामने आ चुका है। जी, मैं काज आजम जिंदाबाद की बात कर रही हूँ। ईद उल अदा 2022 वो आपके करीब इस सिनेमा हाउसेस में आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे मायरा खान, जावेद शेख, फहद मुस्फा जैसे सारे मशहूर अदाकार, और इसके डायरेक्टर और कोई नहीं नबील कुरैशी हैं। फिल्म के ट्रेलर से देख के ये बात का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि फिल्म कैसी है, पर ट्रेलर से देख के एक बात जाहिर है कि फिल्म में बहुत मेहनत की गई है। हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हुमायूं से की फिल्म आ रही है लंदन नहीं जाऊंगा, जैसे मैं भी शायद को पंजाब नहीं जाना था वैसे शायद हुमायूं सईद को भी नहीं जाना। ईद उल अदा पे ये फिल्म रिलीज हो रही है, अब देखते हैं हुमायूं सईद लंदन जाते हैं या नहीं। जहाँ पाकिस्तानी फिल्म्स इंडिया को कंपटीशन दे रही हैं, वहीं पाकिस्तानी ड्रामे इंडिया पर राज कर रहे हैं। मेरे पास तुम हो और प्यारे अफजल को इंडिया ने बहुत प्यार दिया, और अब मायरा खान का फेमस ड्रामा सच के तुम्हारे भी इंडिया की स्क्रीन्स पे एयर हो चुका है। और इसी के साथ बताती चलूँ कि पाकिस्तान में इंडिया की फिल्म्स बैन है और इंडिया में भी पाकिस्तानी फिल्म्स बैन है, मगर मायरा खान का ये ड्रामा सच के तुम्हारे हो सकता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान की दूरियों को दूर कर सके। बात हो रही हो और भाई का नाम ना लिया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी, मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपने ये न्यूज़ सुनी ही होगी सिद्धू मूसे वाले को किस तरह से दिन दहाड़े मारा गया, जिसका इल्ज़ाम इंडिया के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बहुत मुश्किल नाम है, मैं सिर्फ लॉरेंस बोलूँगी,
पिछले कुछ दिनों सलमान खान के वाले सलीम साहब को एक लेटर भी वसूल हुआ है जिसमें उसने साफ लिखा हुआ है कि अगला निशाना मेरा सलमान खान है और उनके बेटे का भी वही हाल होगा जो सिद्धू का हुआ था। इस सब के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सबकी भी दुआ है कि सलमान खान महफूज रहें। बॉलीवुड की फिल्म भूल भुलैया सभी ने देखी होगी, कितनी फनी है, अभी भी दिल करता है कि लगाओ और उसको देखो। जी, भूल भुलैया 2 भी आ रही है जिसमें कार्तिक आर्यन है। कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें वो भूल भुलैया के सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं। कृति सिन्हा के एक्टिंग स्किल्स तो आपने देखी ही होंगे। कृति सिन्हा गाना कितनी खूबसूरती से गाती हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी। उन्हीं की फिल्म का गाना रास्ता जो कि बहुत फेमस है वो एक छोटे से कॉन्सर्ट में गा रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहीं हम अपने शो को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना आपने 92 पल्स को, और कुछ कमी लगी हो तो वो भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है।